टाइप फोर के लिखा है करनी 0.081 गुड़ा 0.400 बटा 0.0064 गुड़ा 6.25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जल्द से जल्द सॉल्व कैसे करें, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव को हम हटा देते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है, इसको गिनना है, जैसे इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर का 3, इधर का 3, ऊपर में कितना हो गया 6 संख्या के बाद दशमलव है, ठीक है। नीचे में देखिए 1, 2, 1, 2, 3, 4 तो 4 और 2, 6। तो यहाँ देखिए ऊपर में भी 6 संख्या के बाद दशमलव, नीचे में भी 6 संख्या के बाद दशमलव। तो जब इस प्रकार होता है ना तो 6 में 6 के कितना हो गया 0, मतलब दोनों एक जैसे रहेगा ना, तो आपको दशमलव को हटा देना है सीधा। अगर ऊपर नीचे एक जैसे हो गया ना तो दशमलव को हटा दीजिए, तो सीधा ये डायरेक्ट इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये दशमलव को हटा दीजिए तो 0.08 है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। गुड़ा देखिए 0 कोई महत्व नहीं है, क्या बचेगा 400 बटा, इसमें देखिए सामने में 0 है तो कोई महत्व नहीं है, क्या हो गया 64। फिर उसके बाद इसको देखिए ये क्या है 625, क्लियर है। अब आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट 81 का वर्गमूल होता है 9, 81 का क्या होता है 9, और 400 का वर्गमूल क्या होता है 20 20 सम 400, 9 81, और 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, और 8 64 625 का वर्गमूल होता है 25। ये सब करनी से बाहर निकल गया, अब करनी नहीं लगाना है, समझ में आया। करनी से निकल गया 9 81 20 20 सम 400, 8 64 25 25 सम 625। अब यहाँ से देखिए ये कटता है तो इसको कटा देना है, तो कोई कटेगा जैसे ये कट जाएगा, देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 2 8 4 5 20, और 5 1 5 5 5 25। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया ये 9, और 5 2 कितना हो गया 10, तो ये क्या हो गया इसका उत्तर हो गया। देखिए इस प्रश्न को, ये 23 वाला, इसमें देखिए क्या लिखा है 9.5 गुड़ा, तो वैसे ही इसमें भी आपको दशमलव को गिनना है। इसको देखिए तो यहाँ देखिए ये लिखा है एक संख्या बाद दशमलव, इसमें 1, 2, 3 ये 0.00 है, तो ये 0 है ना, 1, 1, 2, 3, 4 तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो ये 6 संख्या के बाद दशमलव है। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जब ऊपर नीचे एक जैसे है तो आपको दशमलव को लिखना ही नहीं है, दशमलव क्या कर देना है हटा देना है। तो डायरेक्ट देखिए करनी, यहाँ से ये 9.5 दशमलव हट गया, क्या हो जाएगा 95, यहाँ 0 कोई महत्व नहीं है, क्या बचेगा इसमें 85, इसमें दशमलव का महत्व नहीं, क्या हो जाएगा 189। फिर इसमें देखिए क्या है 0 का महत्व नहीं, क्या हो जाएगा 17, इसमें क्या हो जाएगा ये 19, और वो क्या हो जाएगा 21, समझ में आए। अब इसको क्या करना है, कटा देना है, देखिए कौन कट रहा है 17 5 85 हो जाएगा, 19 5 95 हो जाएगा, और 21 ये 9 से कट जाएगा, 9 1 9 9 2 18, तो क्या बचा देखिए 5 गुड़ा 5 गुड़ा 9। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये 5 गुड़ा 5 हो गया, 9 को क्या हम 3 3 9 लिख सकते हैं, तो जोड़ा बनता है तो 5 बाहर निकलेगा और 3 बाहर निकलेगा, तो 5 3 कितना हो गया 15, समझ में आया, सिंपल सा है, इस प्रकार आपको बनाना है, इन सवालों को आप इसी प्रकार बना सकते हैं।